दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच देसी आहार के बारे में बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपका शरीर 101% ताकतवर बनेगा। दोस्तों जो हमारा पहला फूड है वो है मूंगफली यानी पीनट। जी हाँ दोस्तों, मूंगफली एक ऐसा फूड होता है जो हमारे शरीर में शक्ति का विकास करता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन पाया जाता है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा 25% से ज्यादा होती है, साथ ही यह पाचन शक्ति बढ़ाने में कारगर है। 250 ग्राम भुनी मूंगफली में इतने मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो 250 ग्राम मांस से भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए शरीर में ताकत भरने के लिए मूंगफली का सेवन जरूर करें। अगर आप एक्सरसाइज से 30 मिनट पहले मूंगफली खाते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान एक अलग ही लेवल की एनर्जी आपको अपनी बॉडी के अंदर महसूस होगी। दोस्तों दूसरे नंबर पर है गुड़बंदी बादाम यानी देसी बादाम। बादाम को खाने के फायदे आप सबको पता है, लेकिन अगर आप देसी गुड़बंदी बादाम खाते हैं तो इसके कई जाना फायदे हैं। दोस्तों देसी बादाम हमारे ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपको अपने शरीर में ताकत चाहिए तो इसके लिए आपके ब्रेन का स्ट्रांग होना, ब्रेन का चलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे बहुत से हार्मोन्स होते हैं जो हमारे ब्रेन की वजह से ही काम करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हो गया। जब हमारा ब्रेन सही से काम करता है तो ये हार्मोन भी सही से काम करते हैं। इसीलिए अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए आपको रात में 4 से 5 बादाम भिगो देने हैं और सुबह उनके छिलके को उतारकर दूध के साथ आपको सेवन करना है। लेकिन अगर आपका बजट तगड़ा है तो आप बादाम रगड़ा भी बना करके पी सकते हो। दोस्तों तीसरे नंबर पर है मूंग की दाल। दोस्तों आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अगर उठ बैठ नहीं पाता, उसको ताकत की कमी है, तो डॉक्टर्स उस पेशेंट को मूंग की दाल खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि 100 ग्राम मूंग की दाल में 24 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। मूंग की दाल में फाइबर प्रोटीन तो होते ही हैं, साथ में ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर की कमजोरी को दूर कर हमको ताकतवर बनाते हैं। दोस्तों चौथे नंबर पर है खजूर। दोस्तों खजूर के अंदर विटामिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसी के साथ में आपको खजूर में मिलता है मैग्नीशियम और आयरन। आप सभी को पता है कि अगर आप अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके शरीर में आयरन की मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए खजूर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों पांचवें नंबर पर है अंकुरित चना। अंकुरित चनों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि घोड़े को चना खिलाया जाता है, जिसकी वजह से घोड़ा अधिक परिश्रम के बाद भी थकता नहीं है, क्योंकि काले चने हमारे स्टेमिना को बूस्ट करते हैं और शरीर में ताकत भरते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी पुराने समय के राजा महाराजा हुए, जितने भी ताकतवर योद्धा हुए, वो सभी के सभी देसी घी खाते थे, क्योंकि आपको पता ही है कि मांस से 10 गुना ज़्यादा ताकत घी में होती है, ऐसा चाणक्य ने अपनी नीति में कहा है, इसीलिए घी का सेवन जरूर करें। दोस्तों जाते जाते आपको मेरी इस बात पर जरूर अमल करना चाहिए। पुराने समय में एक खास बात होती थी, पुराने समय में जो भी मिलता था असली मिलता था, किसी भी चीज़ में मिलावट नहीं होती थी। लेकिन आज इस ज़माने में आपको असली चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक चीज़ में मिलावट हो रही है, फिर वो चाहे आटा हो या घी, सब में आपको मिलावट देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि हरी सब्जियों में भी इंजेक्शन लगा लगा के उनकी हाइट बढ़ाई जाती है और हम तक पहुँचाई जाती है, जिसे खाने से हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियाँ जन्म लेती हैं। लोग चंद पैसे कमाने के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। दोस्तों गाँव के लोगों को तो असली चीज़ मिल जाती है, लेकिन जो लोग शहर के हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप गांव में रहकर भी दूध ही नहीं खाते हैं तो आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो लोग शहर के हैं वो इतना जरूर ध्यान रखें, कभी भी बाजार से घी ना खरीदें। अगर आपको ओरिजिनल घी खाना है तो दूध इकट्ठा कर लें, उसका बना लें। लेकिन दोस्तों भले ही आप कुछ भी खा लो, आपके शरीर में देसी डाइट तभी लगेगी जब आपकी जड़ मजबूत होगी। हाँ मैं बात कर रहा हूँ पाचन तंत्र की। अगर आपको पाचन तंत्र पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।